हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टडी मैथ्स। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने आपको सिंगल डिजिट का बताया था, आज हम पढ़ेंगे डबल डिजिट का। ये हमने डबल डिजिट लिखी है, इसका एडिशन करना सिखाएंगे आपको, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे। ओके, जैसे हमने लिखा है यहाँ 42, इसके नीचे लिखा है 23। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पीछे वाले जो वर्ड है जैसे 2 और 3, इनको हमें जोड़ना है। जैसे ये 2 है तो 1 2, 2 लाइन्स खींचनी है, इसको आप फिगर काउंटिंग भी कर सकते हैं। ये लिखा है 3 1 2 3, हमने 2 की लाइन खींच ली है, इसके सामने 3 की लाइन खींची है। ओके, अब हमें इस सबको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो इसी के बिल्कुल नीचे हमको इसका आंसर लिखना है 5। क्या आगे 5। ओके, समझ आ रही है। नेक्स्ट है 4, अब हमें क्या करना है, 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4, ये कितना है 2 1 2। अब हमें इसको क्या करना है, काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, और इसका आंसर आ गया 6, तो इसके बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे 6। तो ये हमारा सम हो गया है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 2, तो हम कितनी लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, और ये कितना है 2 है, 1 2। अब इस जितनी हमने लाइन खींची है इसको हम काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल इसके नीचे ही हमें इसका आंसर लिखना है, कितना लिखना है 5। ये हमने काउंट किया है, ये 5 है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। ओके, समझ आ रही है। तो ऐसे ही नेक्स्ट ये है 1 2, ये भी कितना है 2 है, तो 1 2। अब इन लाइन को हमें काउंट करना है, 1 2 3 4, कितना हो गया ये 4, आंसर कितना है 4। आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, एक बार और इसको करवा देते हैं, ये कितना है 4, 1 2 3 4, और 0 क्या है, 0 के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो ये कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 का 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 5, ये कितना है 2 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सबको काउंट कर देंगे। कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आंसर आया है 7, पूरा आंसर इसका हो गया 74। ओके, नेक्स्ट है 4, 1 2 3 4, और साथ में कितना हमें ऐड करना है, 4 के साथ 3 ऐड आउट करना है, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने ये लाइन्स लीनी है कीजिए, इसमें इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। ओके, ये कितना है 3 1 2 3। नेक्स्ट है ये 2 3 और 2 को हमने ऐड करना है, ये इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 5। समझ आई आपको, तो आपको भी ऐसे ही काउंट करिए, या फिंगर काउंटिंग कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो लाइन खींचिए आप अच्छे से कर सकते हो, और हमेशा इसको पीछे से ही पहले स्टार्ट करना है। जैसे हमने ये लिखा है तो पहले हमें पीछे वालों को जोड़ना है, उसके बाद ही आगे वाले की। ओके, इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में आपको लिखना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके चिल्ड्रन।